क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गोता हूँ। दोस्तों, मीडिया चैनल और कई सारे एंकर बवाल काट देते हैं जब कांग्रेस का कोई नेता पार्टी आलाकमान पर सवाल उठा दे। कई एंकर आपको सवाल पूछते दिखाई दे जाएंगे कि कांग्रेस में एक परिवार की चलती है या पार्टी में कुछ लोकतंत्र बचा है कि नहीं। इस तरह की बातें कांग्रेस के बारे में की जाती हैं, लेकिन एक बीजेपी सांसद ने खुली बगावत कर दी है। बीजेपी में लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का पूरा सिस्टम हिला दिया है, उसके बावजूद मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं कि आखिरकार बीजेपी में इस तरह लोकतंत्र पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी सांसद क्यों बगावत पर उतर आए हैं। ये राहुल कस्बा है, चुरू से सांसद है बीजेपी के। टिकट कटा तो शक्ति प्रदर्शन किया है, ये भारी भीड़ आप देख सकते हैं। और इस शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी पर क्या गंभीर सवाल उठाए हैं, राहुल कस्बा का बयान आप सुनिए, पब्लिक के सामने क्या कहते हैं जरा सुनिए। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौन बैठी है मेरे सामने, गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने, क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का, चुरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का, इस चुरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई तो चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है, एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अभ्यास में एक आदमी के अहंकार की लड़ाई है। तो राहुल कस्बा का ये दर्द, ये सवाल, ये दिखाते हैं बीजेपी आलाकमान को, पीएम मोदी को, अमित शाह को, बड़े नेताओं को, कि मान सम्मान सिर्फ आपका नहीं है, मान सम्मान उन नेताओं का भी है जिन्हें पार्टी आलाकमान टिकट नहीं दे रहा, टिकट काट देता है, बिना बताए टिकट काट दिए जाते हैं। और इससे आगे राहुल कस्बा पार्टी में लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। राहुल कस्बा बताते हैं कि उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को कितने फोन किए और किसी ने फोन उठाया तक नहीं। जरा सुनिए उनका दर्द। आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में, पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में, हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है, एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर, कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए, कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का वो गुनाह तो बता दो, पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया, तो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है, लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद जयचंदों की बात करते हैं। तो राहुल कस्बा बताते हैं कि टिकट काटने से पहले उन्हें पूछा तक नहीं, उन्हें जानकारी तक नहीं दी कि आपकी टिकट काटी जा रही है और क्यों काटी जा रही है। एक सांसद का ऐसा हाल देखिए, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं, कहते हैं कि पार्टी आलाकमान के कई नेता मेरा फोन तक नहीं उठाते, दिन में 3-3 बार घंटी करता हूं, उसके बावजूद मेरा फोन नहीं उठाया जाता। और दोस्तों, मीडिया में सांसद के इस दर्द की कोई चर्चा नहीं कि बीजेपी सांसद खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक साफ नहीं किया है, लेकिन बयान दिखाते हैं कि चुनाव लड़ने के पूरे इरादे हैं, अब तक बीजेपी नहीं छोड़ी है, लेकिन बीजेपी को शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ताकत जरूर दिखाई है। दोस्तों, राहुल कस्बा के इस बगावती तेवर से जाट समाज बेहद नाराज है बीजेपी से और कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, दिनेश बोहरा वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं राजस्थान के, राहुल कस्बा का टिकट कटने के बाद चुरू में कस्बा के शक्ति प्रदर्शन ने दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि अगर राहुल कस्बा को समय पर मैनेज नहीं किया गया तो बीजेपी को अगल बगल की लोकसभा सीटों पर भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए राहुल कस्बा ने चुनाव लड़ने को लेकर 2 दिन का समय लिया है। लेकिन राहुल कस्बा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे ये लगभग तय नजर आ रहा है। तो वरिष्ठ पत्रकार दिनेश बोहरा कहते हैं कि कई सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, इसीलिए पार्टी आलाकमान तक मामला पहुंच गया है, दिल्ली दरबार तक मामला पहुंच गया है,
लेकिन दिल्ली नोएडा के न्यूज चैनलों में ऐसी बगावत को कोई जगह नहीं दी जाती, जो दिखाता है कि सिर्फ बगावत विपक्षी नेताओं की दिखाई जाती है। अगर विपक्षी नेताओं में कभी फूट सामने आती है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, लेकिन अगर बीजेपी में एक सांसद खुलेआम हजारों की भीड़ के सामने पार्टी आलाकमान को लेकर, बीजेपी में लोकतंत्र को लेकर इस तरह के सवाल खड़े करता है कि हमारे जैसे नेताओं का क्या कोई मान सम्मान नहीं है, ऐसे नेताओं के दर्द को मीडिया में कहीं कोई जगह नहीं दी जाती, जो दिखाता है कि एक तरफा परसेप्शन बनाया जाता है कि बीजेपी में सब अनुशासन में रहता है और विपक्षी दलों में फूट सामने आती रहती है। आप राहुल कस्वा के बीजेपी में लोकतंत्र पर ऐसे सवाल उठाने पर और मीडिया में ऐसे नेताओं के दर्द को ना दिखाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।